इस चिंपैंजी ने इस औरत के साथ कुछ ऐसा किया। ट्रेविस नाम के इस चिंपैंजी ने कई फिल्मों में काम किया था और वो अपने ओनर सैंड्रा के साथ रहता था। सैंड्रा के पति और बेटी की मौत के बाद सैंड्रा ट्रेविस को अपने बेटे की तरह रखती थी। तो एक दिन ट्रेविस ने सैंड्रा की एक दोस्त चार्ला नैश पर हमला कर दिया, जिससे उसे कई गंभीर चोटें आईं। ऐसा माना जाता है कि ट्रेविस चार्ला की हेयर स्टाइल और कार के अलग रंग को देखकर कंफ्यूज हो गया था और उसे लगा कि वो एक अजनबी है। हमला इतना क्रूर था कि चार्ला ने अपने हाथ, आंखें, होंठ और चेहरे का कुछ हिस्सा खो दिया। हमले को रोकने के लिए पुलिस ने ट्रेविस की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक दुखद कहानी है जो जानवरों के व्यवहार को समझने और जंगली जानवरों को पालतू जानवर की तरह रखने के परिणाम को दर्शाती है।